हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिरयानी खाने के तो हम सभी शौकीन होते हैं ना, लेकिन अगर कभी पनीर, चिकन या बहुत सारी वेजिटेबल्स ना हो घर पे तो क्या किया जाए। तो आज मैं आपको 100% भरपूर फ्लेवर से भरी हुई आलू दम बिरयानी बताऊंगी, जिसे बनाने में बेसिकली प्याज, टमाटर और जो घर में मसाले होते हैं ना, आलू, बस यही सब चीज़ें लगेगी। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं बूंदी रायता और लच्छा प्याज के साथ। ये तो मेरा फेवरेट है, और लच्छा प्याज की भी रेसिपी मैं आपको बीच में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए कुछ आलू। तो जो आलू मेरे पास जो मीडियम साइज के थे ना, छोटे, तो उसको मैंने ऐसे दो हिस्सों में काट लिए, और जो थोड़े बड़े थे उसको चार हिस्सों में काट लिए। बेसिकली हमको इतने बड़े चंक्स चाहिए आलू दम बिरयानी के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा मैशी ना हो जाए बाद में। और आपको चाहिए तो छोटे गोल वाले आलू होते हैं ना, जो दम आलू बनाने के लिए काम आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पैन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पैन मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सर्कुलर ओरिजिन्स का पैन है, ये ग्लास लिड के साथ ही मिलता है, और ये निकल और लेड फ्री है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। बहुत ज़्यादा तेल इसमें हमको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक है। इसमें हम डाल देंगे सारे आलू के पीसेस, तो सारे आलू के पीसेस डाल दीजिए इसमें। और इसको अभी हम टॉस करके पकाएंगे, मतलब पकाएंगे करीबन आधे से ज़्यादा, क्योंकि हम बाद में इसको पकाने वाले दम पे। तो इसको बस हल्का सा ऐसे मिक्स करते करते पकाइए थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट के लिए। बस इतना कि इसमें हल्की गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जाए, या फिर जितने ये आधे से थोड़ा ज़्यादा पक जाए। तो इसको इसी तरह से आप टॉस करते रहिए, तो इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे। तो क्योंकि आलू के चंक्स थोड़े से बड़े हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिड से कवर कर रही हूँ, और इसको पकने दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए आलू में अच्छी सी कोटिंग आ गई है, हल्की ब्राउन कोटिंग आ गई है। बस इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए। बहुत ज़्यादा मसाले हमें इसमें नहीं डालने, इसको बाद में हम वैसे भी मैरिनेट करने वाले। तो देखा आपने, आलू बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ किया था। मैंने खुद काफ़ी बार ये पैन यूज़ किया, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। और ये इंडक्शन में भी काम आ जाता है पैन। और अगर आपको ये पैन बाय करना है, तो इसका बाइंग लिंक और डिस्काउंट कोड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चाकू से ये डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर अच्छे से जा रहा है, मतलब ये आधे से ज़्यादा पक गया है। बस इसको निकाल के साइड में रख देंगे, तो ये हमारे आलू पक गए हैं अच्छे से कोटिंग के साथ। तो इसको मैरिनेट करने के लिए एक बोल में मैंने लिए 1 कप दही। तो एक हल्की बनी हुई दही है, बहुत गाढ़ी दही नहीं है, रेगुलर दही जो हम यूज़ करते हैं। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी, और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 1 से 2 टीस्पून भर के शाही बिरयानी मसाला। आप कोई भी बिरयानी मसाला, छोले मसाला, कोई भी स्पेशल मसाला जो आप यूज़ करते हैं बिरयानी में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप इसके बदले थोड़ा सा और गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डालूँगी 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्ची, फ्रेश धनिया, और ढेर सारा फ्रेश पुदीना, क्योंकि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिरयानी में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तेल, ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए मैरिनेशन में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, जिसको मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। इससे आलू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे आपस में मिलजुल जाए और गाढ़ा मैरिनेशन हमारा तैयार हो जाए। तो इसे अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए एकदम गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हो गया है। इसमें हम डाल देंगे सारे आलू के पीसेस, और इसे मिक्स कर लेंगे, जैसे कि सारे आलू अच्छे से कोट हो जाए, एकदम अच्छे से लट पड़ जाए इस मैरिनेशन के साथ। लेकिन इसको अभी हमें थोड़ी देर रखना है, करीबन बस 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सारे आलू अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले सारा मैरिनेशन। तो इसको बस हम थोड़ी देर के लिए ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए 2 कप बासमती चावल, जिसको मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगाया था। बहुत ज़्यादा नहीं भिगाना है, वरना बिरयानी क्या टूट टूट जाती है। तो हमको खड़े खड़े चावल चाहिए, तो बस 1/2 घंटा इसे भिगाना है। और यहाँ पे मैंने रखा है पानी पहले से ही गर्म करने के लिए, चावल को उबालने के लिए। तो पानी में जैसे ही उबाल आएगा, फिर ही हम सारी चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया अच्छे से। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता फ्लेवरिंग के लिए, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग,
और कुछ काली मिर्च के दाने, तो मैंने 8 से 10 काली मिर्च के दाने यूज़ किए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के नमक। तो नमक यहाँ पे अच्छे से डालना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ही आपके चावलों के अंदर तक नमक जाएगा, वरना लेयर्स बनाने के समय ना कभी कभी क्या होता है चावल थोड़े फीके रह जाते हैं। तो पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छा सा उबाला आने ही लगा है, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे चावल। तो सारे चावल डाल दीजिए। अब चावलों को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इसको उबलने देंगे, बस बीच में से हल्का सा चला दीजिए। चावलों को पकाना है करीबन 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये 3/4 ना पक जाए, मतलब 70-75% पक ना जाए। बाकी का हम पकाएंगे लेयर्स बनाने के समय। तो ये देखिए मैं आपको एक चावल तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हल्की सी कसर बाकी है, टूट रहा है पर फटाक से नहीं टूट रहा है, उसमें हल्की सी कसर बाकी है, 3/4 पक गए हैं। तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चावलों को छान देंगे। तो चावलों को छान लीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे फैला के साइड में रख देंगे। ये देखिए कितने खिले खिले हैं अभी से, हमको बिल्कुल ऐसे ही चावल चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने छोटी सी कटोरी में पानी लिया था, हल्का कुनकुना पानी, उसमें मैंने केसर भिगा के रखा है ताकि वो अपना कलर छोड़ दे। इसको मैं मिक्स करी, ये देखिए कलर छोड़ ही रहा है। आप चाहें तो इसके बदले दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा पैन लिया है, तो मैं आज ये वाला पैन यूज़ कर रही हूँ, नॉनस्टिक पैन। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप चाहें तो मोटे तले का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं बिरयानी के लिए। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 इलायची, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और दालचीनी का टुकड़ा। बहुत बेसिक खड़े मसाले जो आपको चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा और इसे फ्राई करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये लंबे प्याज मैंने काटे करीबन 2 प्याज और इसे फ्राई करेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे हमको प्याज थोड़े से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने हैं, मतलब थोड़े से एकदम फ्राई हो जाने चाहिए, तो ही वो बिरयानी में मज़ा आएगा। तो ये देखिए करीबन 2 मिनट के बाद प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हुए हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। ये देखिए प्याज कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए, अच्छा खासा ब्राउनिश कलर आ गया सब तरफ और जला भी नहीं, हमको ऐसा ही कलर चाहिए बिरयानी में। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर यूज़ किए, इसे रफली चॉप किए हुए, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 2 से 3 और मिनट के लिए, जैसे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए और जूसी हो जाए, मतलब अपना थोड़ा सा रस छोड़ने लगे और ग्रेवी फॉर्म हो जाए हमारी। ये देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो रहे हैं, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आलू दिखाती हूँ। ये देखिए आलू ने काफ़ी सारा मैरिनेशन एब्जॉर्ब कर लिया और ये जो मैरिनेशन है थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया क्योंकि आलू ने एब्जॉर्ब किया, ये देखिए इस तरह से। तो इसको ऐड कर देंगे टमाटरों के ऊपर। सारे आलू डाल दीजिए और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। तो बस इसे थोड़ी देर ही पकाना है जैसे कि सारी चीजें आपस में मिलजुल जाए। और ये देखिए दही अपना पानी भी छोड़ रही है, तो हमको इतनी ग्रेवी चाहिए, मतलब जो दही है और जो टमाटर है इस सबकी वजह से नहीं हमारी ग्रेवी फॉर्म हुई है, इतनी रस हमें नीचे चाहिए, मतलब गाढ़ी ग्रेवी, तो ही आपके चावल अच्छे से पक पाएंगे नहीं तो जल जाएंगे। तो इस समय अगर आपको लगे कि आपके पास इतना ग्रेवी नहीं है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अगर बेस नहीं है, तो आप इस वक्त इसमें डाल सकते हैं 1/2 कप और दही, नहीं तो आप इसमें 1/2 कप पानी भी डाल के इतनी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये ग्रेवी रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चावलों की लेयर। तो सारे चावल ऐसे अलग अलग ऐसे थोड़े थोड़े दूरी दूरी पर ऐसे छुट्टे छुट्टे करके डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहें ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप बना रहे हैं तो आप 2 लेयर भी डाल सकते हैं, मतलब कि पहले आलू की सब्जी निकाल लीजिए फिर आप लेयर्स लगा सकते हैं, आलू फिर चावल फिर आलू फिर चावल, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आज सिर्फ 2 कप राइस बनाने जा रही हूँ और मेरा ये जो बर्तन है ना वो भी काफ़ी गहरा है, तो मैं सारे चावल एक टाइम में ही डाल रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब आप ऊपर चावल छिड़केंगे ना तो उसको बस ऐसे ऐसे छड़कना है, ऐसे उसको दबाना नहीं है, चावल ऐसे अलग अलग होने चाहिए, उसको प्रेस नहीं करना है चावलों को। ये देखिए लेयर रेडी हो गई है, आखिरी लेयर पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे फ्राइड अनियंस, थोड़े से फ्रेश धनिया, थोड़े से फ्रेश पुदीना, ये तो मेरा फेवरेट है तो मैं थोड़ा ज़्यादा पुदीना डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला पानी
आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रिच बनाना है तो, जैसे मैंने कहा तो सारी तरफ केसर का डाल दीजिए पानी। इससे क्या होगा ना, थोड़ा अच्छा कलर आ जाता है चावलों में और फ्लेवर भी आ जाता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप केसरी कलर भी डाल सकते हैं या रेड फूड कलर डाल सकते हैं चावलों में। और फिर मैं डाल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिरयानी का, जो कि है घी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 टेबलस्पून भरकर घी। इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में और काफ़ी अच्छा मॉइस्चर मिलता है बिरयानी को इससे। तो ये देखिए सारे लेयर्स तैयार हो गए हैं। ऊपर से हम छिड़क देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो यहाँ पे फिर से शाही बिरयानी मसाला या कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो ऊपर से थोड़ा सा इसे छिड़क सकते हैं। तो अब सारे लेयर्स रेडी हो गए। इसको अभी हम ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे, मतलब इसको दम पे रखेंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो अगर आप मोटे तले का पैन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। और मैं यहाँ पे देखिए क्या करी, उसको मैंने प्लेस कर दिया है तवे के ऊपर, क्योंकि मैं आज नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि वो जले ना। तो यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट हीट पे पका रहे हैं तवे के ऊपर तो वो ज़्यादा सेफ होता है। तो इस वक्त आप उसे दम पे रख सकते हैं करीबन 20-25 मिनट के लिए, ताकि सारी लेयर्स आपस में मिलजुल जाए, चावल पक जाए और आलू में जो कच्चापन है वो भी अच्छे से पक जाए। तो बस मैं इसे दम पे छोड़ दूंगी। तो जब तक बिरयानी दम पे पड़ी है, मैं बनाने वाली हूँ अपना फैमिलीज फेवरेट लच्छा प्याज, जिसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज ऐसे राउंडल्स में काटे। इसको मैंने भिगा दिया था आधा घंटा पहले ताकि इसका कड़वापन निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको अपने हाथों से ऐसे अलग अलग कर दूंगी ताकि इसके रिंग्स निकल जाएं। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसको मसल के भी इसके सारे रिंग्स निकाल सकते हैं। तो इसके सारे रिंग्स मतलब सारे लच्छे ऐसे निकाल दीजिए, बहुत मज़े के लगते हैं फ्रेंड्स। इसके बिना तो हम लोग बिरयानी खाते ही नहीं है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, बहुत ही बेसिक है, फटाफट बन जाता है। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, जो मसाला आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, थोड़ी सी फ्रेश धनिया और सबसे इम्पॉर्टेंट लेमन जूस, एकदम फ्रेश लेमन जूस के ऊपर स्क्वीज़ कीजिए, मज़ा आ जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मसलते जाएंगे जैसे अच्छे से चिपक जाए मसाले उसमें, और जो प्याज है ना थोड़ा सा और अपना पानी छोड़ दे। तो बस ये हमारा लच्छा प्याज रेडी हो गए, इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने बिरयानी को रख दिया था तवे के ऊपर लोएस्ट फ्लेम पर करीबन 25 मिनट के लिए। तो मैं आपको लिड हटा के दिखाती हूँ अभी। वाओ, ये देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि बिरयानी अच्छे से पक गई है, क्योंकि सारे कलर्स उसमें आ गए हैं, केसर के और धनिया पुदीना थोड़ा सेटल हो गया, और चावल ना थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, मतलब थोड़े बोट जैसे हो जाते हैं जब अच्छे से पक जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। और फिर आप चाहें तो उसको साइड से फोक से डाल के चेक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फोक से पफ अप करके दिखाती हूँ, तुरंत करछी नहीं हिलाना है। ये देखिए सारे चावल एकदम अच्छी तरह से पके हुए हैं और एकदम दाना दाना खिला हुआ है, ऐसे नहीं कि टूटे हैं। और मैं नीचे से जब जा रही हूँ तो पूरा मसाला ऊपर की तरफ आ रहा है, एकदम पका हुआ मसाला है। और आप फोक से आलू भी पियर्स करके चेक कर सकते हैं कि पका है कि नहीं, अगर नहीं तो आप फिर से 1-2 मिनट के लिए और ढक के पका सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ, बिरयानी बहुत ही बढ़िया बन गई है। तो अब मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ। ये देखिए आलू को मैंने चेक कर लिया था, एकदम बढ़िया तरीके से पक गया और ओवर कुक भी नहीं हुआ है, मतलब मैश भी नहीं हुआ है। इसको गर्मा गर्म परोसेंगे प्लेट में। वाओ, क्या दिख रही है बिरयानी, हर एक दाना एकदम अलग अलग है और काफ़ी लेयर्स आए हैं, मतलब कलर के लेयर्स आए हैं सब्जी के, आलू के, वाइट राइस के। तो इसी तरह से पूरी बिरयानी परोस लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। चाहिए ऊपर से आपको तो थोड़े से और फ्राइड अनियंस या फिर थोड़ा धनिया पुदीना आप डाल सकते हैं सर्विंग के समय। तो लग रही है ना एकदम मज़े की बिरयानी, जिसको मैंने परोसा है बूंदी रायता और लच्छा प्याज के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही आसान सी रेसिपी घर पे बनाने की। अगर आपको पसंद आई तो ढेर सारे लाइक्स दीजिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।